कि इसमें सस्पेंशन एडजस्टेबल आते हैं। बिल्ट टू ऑर्डर किसी भी बाइक में ऑप्शन नहीं आता है, इस बाइक में आपको मिल जाते हैं चार राइडिंग मोड। हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे TVS RR310 के बारे में कि कैसे ये बाइक बाकी बाइकों से अलग है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो 7 फैक्टर के बारे में कि क्यों हम ये बाइक चूज़ करें रादर देन KTM RC390, डोमिनार और भी जो इस रेंज में आती हैं या फिर जो स्पोर्ट्स बाइक हैं। सो वीडियो पूरा देखना एंड अगर आप लोग को कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। पहला फैक्टर जो इस बाइक को बाकी बाइकों से अलग कर देता है वो है बिल्ट टू ऑर्डर। अब बिल्ट टू ऑर्डर में होता क्या है, जब भी नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं बाइक खरीदने जाते हैं, बट आपको वो नहीं करना है, आपको ऑनलाइन TVS की साइट पर जाके पहले सेलेक्ट करना है कि आपको किट कौन सा चाहिए। दो किट आपको अवेलेबल हो रही है, डायनामिक किट और रेस किट। अगर आप लोग रेस ट्रैक पे बाइक चलाते तो आपके लिए एक किट अवेलेबल कराइए रेस किट, और अगर नॉर्मल डायनामिक किट चाहिए तो आपको वो पहले से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, अब उसमें आता क्या क्या है। आप अपने सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हैं रेयर के या फिर फ्रंट के, प्लस आपका हैंडल बार जो है कितना एंगल पे चाहिए वो एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे, बाइक का एक डिफरेंट ग्राफिक दिया गया है, अगर आपको वो बाइक चाहिए वो मिलेगा। प्लस इस बाइक में ब्लैक अलॉय व्हील्स हैं, आपको मिलेंगे रेड अगर आप चाहते हैं तो, बट उनके सबके लिए प्राइजेस हैं वो आप TVS की साइट पे जाके देख सकते हैं कि कौन सा क्या कितने में मिलेगा। सो या अभी तक बिल्ट टू ऑर्डर किसी भी बाइक में ऑप्शन नहीं आता है 4 से 5 लाख की बाइक में कि आपको पहले से ये सब चीज़ें मिल पाए। सो ये बाइक आप लोग को वो प्रोवाइड कराती है, जो कि इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सेकंड फैक्टर जो इस बाइक को अलग बनाता है वो है इस बाइक का डिज़ाइन। आप किधर से भी ये बाइक देखेंगे ये बाइक आपको बहुत पसंद आने वाली है। मैं अपना एग्जांपल लेके बताता हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम 2018 में बाइक देखी थी जो इसका पहला मॉडल था, मेरे को वो बहुत पसंद आया था। आइदर हम बात करते हैं इसके एरोडायनेमिक्स की कि ये बाइक किस तरीके से बनाई गई है, या फिर हम नॉर्मल लोगों की बात करें जिनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, सबको ये बाइक पहली बार में पसंद आती है। यस, सो इस बाइक के डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट बेस्ट फैक्टर इस बाइक के बारे में है वो है इसका डिजिटल कंसोल। अगर हम कंसोल की बात करते तो ये इस बाइक को बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील कराता है। प्लस इसमें जो फीचर्स हैं आई डोंट थिंक वो इस रेंज की बाइक में किसी भी बाइक में अभी तक अवेलेबल कराया गया है। आइदर वो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी हो या फिर मैप का नेविगेशन हो, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर मैं सिर्फ इसके कंसोल के ऊपर वीडियो बनाने जाऊँगा तो पूरा एक वीडियो बन सकता है। सो बस इतना ही बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड बाइक को बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता है ये। नेक्स्ट फैक्टर, इस बाइक में आपको मिल जाते हैं चार राइडिंग मोड जिनका नाम है अर्बन मोड, रेन मोड, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक मोड। ये आपको हेल्प करते हैं जब आप सिटी में बाइक चलाते हैं तो उसमें आपको एवरेज अच्छा मिलेगा, जब आप रेन में बाइक चलाते हैं तो आपका ABS बहुत अच्छे से काम करता है, या फिर जब आप ट्रैक या स्पोर्ट्स मोड में बाइक को चलाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा स्पीड उसमें मिलती है। मतलब कहने का मतलब है पावर सबसे ज़्यादा आपको ट्रैक मोड या स्पोर्ट्स मोड में मिलती है। तो ये इस बाइक में मैंने अभी तक देखा है और किसी बाइक में अभी तक मैंने नहीं देखा है, जो इस बाइक को बाकी बाइकों से बहुत अलग बना देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस बाइक की पोजीशन के बारे में। जो सीट का जो पोजीशन है वो आप खुद देखिए, इस सीट का जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स बाइक के बारे में तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। आइदर हम KTM RC390 की बात करें, उसके पोजीशन से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। प्लस ये बाइक कोई भी बंदा जो 5-6 का भी है वो भी इस बाइक को चला सकता है, क्योंकि इसमें सस्पेंशन एडजस्टेबल आते हैं। साथ में जो सीट का ये वाला जो पार्ट है वो छोटा है, छोटे होने की वजह से पैरों को इजीली कोई भी बंदा ज़मीन पर रख सकता है। तो ये बहुत मैटर करता है कि जो भी सीट है वो वाइड है या नैरो है। नैरो सीट का मतलब है कोई भी बंदा आराम से इस पर बैठ सकता है। मैंने खुद इस पर काफ़ी किलोमीटर किया हुआ है तो मेरे को ज़्यादा इशूज़ नहीं आते हैं, बिकॉज ये स्पोर्ट्स बाइक है। तो बहुत मैटर करता है कि पोजीशन बाइक की कैसी है। नेक्स्ट फैक्टर जो इस बाइक को बेस्ट बनाता है वो है इसके टायर, बिकॉज टायर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं जब आप रोड पे बाइक चलाते हैं। एंड इस बाइक में आपको मिलते हैं मिशलिन रोड 5 टायर, जो कि बहुत महंगी बाइकों में आते हैं, जो TVS ने इस बाइक में अवेलेबल कराए हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर बन जाता है इस बाइक के लिए, क्योंकि इतने कम रेंज की बाइक में मिशलिन रोड 5 टायर देना बड़ी बात है, जो TVS ने करके दिखाया है। लास्ट फैक्टर जो इस बाइक को सबसे ज़्यादा बेस्ट बनाता है वो है इसका बजट। अगर हम बजट की बात करें तो ये बाइक अभी भी आपको 3 लाख के अंदर मिलती है, जो आई थिंक KTM RC390 भी आपको नहीं मिलेगी। एक स्पोर्ट्स बाइक इतने सब कुछ जो मैंने बताया इन सब के साथ, इसके अलावा पता नहीं ना जाने कितने फीचर्स है इस बाइक में,
सब कुछ आपको 3 लाख के अंदर मिलता है। तो बजट बहुत मैटर करता है जब हम कोई भी बाइक लेने जाते हैं, और ये बाइक आपके फुलफिल करती है 3 लाख के बजट को। इसी रीजन से मैंने ये बाइक चूज की। आई होप जिन लोगों को अभी भी TVS RR 310 को लेकर डाउट है वो क्लियर कर दिए होंगे। मैंने अगर नहीं भी क्लियर किए हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को आप पूछ सकते हो और क्या दिक्कत है आप लोग को इस बाइक से। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, बाइक पसंद आई होगी। मैंने जो 7 पॉइंट आप लोग को बताए हैं इस बाइक के बारे में वो पसंद आए होंगे। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो पहला इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज आगे बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।